आज हम बनाएंगे सर्दियों की खास रेसिपी पालक अंडा करी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। आज हम ये पालक अंडा करी बनाएंगे। इसके लिए हम पालक को बॉयल भी नहीं करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए जल्दी से ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो पालक अंडा करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो पालक लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से साफ करके धुलकर यहाँ पर रखा है। तो अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। पालक अंडा करी बनाने के लिए वैसे तो पालक बॉयल करके फिर पीसा जाता है, लेकिन आज हम बिना बॉयल किए इसी तरह से पालक पीसेंगे। और कट करने के बाद अब इसको मिक्सी जार में डालेंगे, साथ में डाल देंगे एक हरी मिर्च। ये तीखी हरी मिर्च है तो मैं एक ले रही हूँ, आप चाहें तो दो भी ले सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे लगभग आधा छोटा कप पानी, क्योंकि हम इस पालक को बॉयल नहीं किए हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बिना पानी के अगर हम इसको पीसेंगे तो आसानी से नहीं पिसता है, पालक की सारी पत्तियां ऊपर आ जाती हैं तो ये पिसती नहीं है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि पालक आसानी से पिस जाए। तो यहाँ पर हमारा देखिए पालक का पेस्ट तैयार हो गया है। अभी हम इसको साइड में रखेंगे। अब हम एक पैन में 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालने से अंडे पर बहुत बढ़िया से कलर आ जाएगा। तो पैन को एक बार इस तरह से हिला देंगे। अब इसमें हम अंडा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर अंडे को बॉयल करके छील लिया है। अब इस तरह से इसमें कट का निशान लगा देंगे ताकि अंडे के अंदर तक ग्रेवी रहे, अंडा अंदर से फीका ना लगे। इस तरह से अंडे के सिर्फ ऊपर का लेयर ही कट करेंगे। मैं यहाँ पर 7 पीस अंडे से बना रही हूँ, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अंडा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सारे अंडे को हम इसमें डालकर अब इसको चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा अंडा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्राई होने के बाद अंडे पर कितना बढ़िया कलर आया है। पैन में तेल थोड़ा कम लग रहा है तो मैं लगभग 2 टेबल स्पून तेल और डाल दे रही हूँ। और आपको अगर तेल ठीक लग रहा है तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और 2 सूखी हुई लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे। जीरा के चटकते ही अब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहे तो घिसा हुआ अदरक लहसुन भी ले सकते हैं। प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है और अदरक लहसुन भी भुन चुका है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट डालकर जल्दी से चला देंगे ताकि तड़का जलने ना पाए। अब टमाटर को भी करीब 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो टमाटर भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर और लगभग 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, क्योंकि पालक में हल्दी का कोई कलर दिखेगा भी नहीं। तो बस हम थोड़ा सा स्वाद के लिए डाल रहे हैं। तो अब सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। तो यहाँ पर मसालों का तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें ये पालक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट पकाने के बाद पालक का पानी सूख चुका है और पालक भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमारा पालक करी लगभग तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ अंडा डालकर
अंडे को अच्छे से पालक करी में कोट कर लेंगे। इस तरह से कोट करने के बाद अब ढककर करीब 2 से 3 मिनट तक इसको और पकने देंगे ताकि अंडे में भी पालक करी का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो पालक बहुत अच्छे से पक चुका है और तेल भी देखिए अलग हो गया है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ करके इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए, हमारी ये फटाफट ढाबा स्टाइल अंडा करी बनकर तैयार हो गई है। देखने में जितनी बढ़िया लग रही है, खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। इसको आप चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ खाइए, सभी के साथ बहुत पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये ढाबा स्टाइल पालक अंडा करी की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।